आपको बता दें कि दो सीटों पर राहुल गांधी की जीत के बाद अब राहुल गांधी रायबरेली सीट को अपने पास रखने और इसके साथ ही वायनाड की सीट को छोड़ने की मंशा बना चुके हैं। इसका मतलब ये होगा कि वायनाड सीट से वह इस्तीफा देंगे। इसके बाद पार्टी ने फैसला किया है कि उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा उस सीट से उपचुनाव लड़ेंगी। इसका ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी का कहना है कि ये उनके लिए बेहद कठिन समय था क्योंकि रायबरेली और वायनाड दोनों ही सीटों से उन्हें भावनात्मक रूप से जुड़ाव है। आपको बता दें कि इस बड़े फैसले से पहले कांग्रेस की मीटिंग हुई जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहे, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया।